हकायक सब सामने आ चुके हैं। अब मैं क्या करूं, कहते हैं इदारों का नाम मत लो। दाएं तरफ सलाम फेरता हूं तो रहमतुल्लाह है, बाएं तरफ सलाम फेरता हूं तो रहमतुल्लाह है, तो फिर क्या नाम दूं इनको मैं, तो फिर निकित अब्बाई कहना पड़ेगा। जो सूरत हाल आज तक बनी है वो इस बात का बयान सबूत है कि हमारे मुल्क का इलेक्शन कमीशन बदतरीन दबाव और मफाद परस्ती का शिकार हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से हमने यहां शाहराह दस्तूर पर एक तारीखी मुजाहरा किया है इलेक्शन कमीशन के फंडिंग केस के हवाले से, हमने 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पर जहां पूरे मुल्क के हर जिले हेडक्वार्टर पर मुजाहरे करने हैं यकजहती के लिए, वहां रावलपिंडी की लियाकत बाग पर पीडीएम के कायदीन इकट्ठे होंगे और एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया जाएगा। और ये पहले हम यकजहती करते थे सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के हवाले से, आज हम कश्मीरियों के साथ यकजहती करेंगे कश्मीर फरोशी की बुनियाद पर। इन्होंने कश्मीर को बेचा, मोदी पर बेचा है और कश्मीरियों को तन्हा छोड़ा है। हम कश्मीरियों को पैगाम देंगे कि ये आपको बेच के, पाकिस्तानी कौम आपके शाना बशाना खड़ी है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, 5 फरवरी को कश्मीर फरोशी के खिलाफ मुजाहरा होगा और उस बुनियाद पर कश्मीरी कौम के साथ यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा और उनको बताएंगे कि पाकिस्तानी कौम आपके शाना बशाना खड़ी है। कश्मीर फरोश हुकूमत, कश्मीर फरोश हुकूमत।